सेवंथ हाउस इज द हाउस ऑफ पार्टनर हसबेंड वाइफ हमारा हमारे अपना स्पाउस द फर्स्ट पार्टनर इज अवर स्पाउस एनी बिजनेस इन पार्टनरशिप दैट इज सेकेंड ट्रेड दस्ट ट्रेज ऑफ सेवंथ हाउस इज ऑलवेज वेन यू लुक इन टू यू लुक इन टू दिपाउस प्राइमरी साथ में हमारा बिजनेस पार्टनर भी यहीं से देखा जाता है हमारा कॉपरेशन ट्रेड कॉमर्स की जो एक्टिविटीज होती हैं वो यहीं से देखी जाती हैं ट्रैवल जर्नी यहीं से देखी जाती है हमारी अपनी शॉर्ट टर्म डिजायर फुलफिलमेंट डेली इनकम यहीं से देखी जाती है जब हम स्पाउस की बात करें तो हमारा लव हमारी मैरिज नॉट लव हमारी मैरिज यहीं से देखी जाती है हमारे पार्टनर रिलेशन यानी कि फिजिकल रिलेशन यहीं से देखे जाते हैं दैट दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर हाउस नेचर ऑफ विद देखे आते हैं Divorce की सबावना, की सेपरेशन हमारी अपनी बन रही है या नहीं बैठ रही है हमारे पार्टनर के साथ हमारा कैसा रिलेशनशिप uh, है या कैसी निबरी है हमारी वो यहीं से देखते हैं सेवंथ हाउस इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर इम्पोर्टेंसी सेवंथ हाउस इज इंपोर्टेंट एट टाइम्स ड्यू टू इंपोर्टेंसी देर आर डाइवोर्सिस

इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन्स जो होते हैं उसके लिए 7th हाउस बस्ती का एरिया जो होता है 7th हाउस होता है ठीक 7th हाउस का जो देवता होते हैं वो साची देवी 7th हाउस की देवी मानी जाती है साची देवी और शुक्र यहाँ का प्लैनेट है शुक्र यहाँ का करेक्ट प्लैनेट माना जाता है 7th हाउस का और जो धातु है यहां पे वो जो सीमंस जो है यहां का धातु माने जाते हैं और कफ और वात यहां का दोष माना जाता है सेवंथ हाउस का सेवंथ हाउस हरणिया का कारक क्या है यौन रोग का कारक है सेवंथ हाउस दैनिक व्यवसाय का हमारा कारक है सेवंथ हाउस गुप्त अंग जेनेटिकल जो हमारे पार्ट होते हैं बॉडी पार्ट उसका कारक है पति पत्नी का चरित्र और उनमें आपस में कैसी निबरी है उनका स्वभाव कैसा है विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण उस सबका रति कुशलता रति कुशलता मतलब रिलेशनशिप कुशलता बेसिकली उसका कारक जाता है? स्थान सेवंथ हाउस को सूक्ष्म स्थान माना जाता है डिजायर्स का स्थान माना जाता है डेली व्यवसाय का स्थान माना जाता है डेली इनकम का स्थान माना जाता है और विदेश यात्रा का भी कारक ग्रह सेवंथ हाउस को माना जाता है